नमस्कार दोस्तों, सेल्फ एक्यूरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं और अपनी वेबसाइट पे उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने भी अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की थी और उस पर जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर थोड़ा सा काम किया था और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा सा जो है रिज़ल्ट मिला है। तो वो रिज़ल्ट मुझे कैसे मिला है, मैंने कैसे उस पर काम किया है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो दो पार्ट है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, उस पर मैंने कौन से फील्ड में ज़्यादा काम किया है और कहाँ से मुझे अच्छा सा आउटपुट मिला है, वो सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो selfaccurate.com नाम से जो है अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। ये देख सकते हैं आप, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो इसे विजिट कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट के थ्रू जो है दोस्तों, मैंने एडसेंस का अप्रूवल भी लिया था और अभी कुछ ही दिनों में मैंने ये साइट क्रिएट की है और मुझे एसईओ में काफ़ी अच्छा सा सुधार देखने को मिल रहा है। तो मैंने कीवर्ड यहाँ पे रैंक कराया है जिसका नाम है फ्री प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, फ्री प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा जो है वो कीवर्ड्स है। इस कीवर्ड्स को मैंने रैंक कराया है, आप देख सकते हैं ये पहली वेबसाइट है। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ये पहली वेबसाइट है, इतने से रिजल्ट में जो है हमारी साइट पहले पेज पे और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे शो कर रही है। तो देख सकते हैं ये, उसके बाद जो है मैंने दूसरा कीवर्ड जो है वो रैंक कराया, उसका नाम है पीपीसी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर 2018। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही ये भी जो कीवर्ड है वो रैंक कर रहा है। तीसरा दोस्तों है हाउ टू अप्रूव एडसेंस अकाउंट इंस्टेंट। दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, काफ़ी सारे लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो भी अच्छा मिला है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दूसरे पेज पे यहाँ पे हूँ। दूसरे पेज पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सेकंड पेज है गूगल का और यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। दूसरे पेज में चौथे नंबर पर हमारी साइट जो है वो रिज़ल्ट में आ रही है। तो दोस्तों, इस पर भी मुझे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा काम करने के बाद जो है वो फर्स्ट पेज पे आई थिंक हो जाएगा उसका भी एसईओ। तो दोस्तों, ये सारे ये चीज़ें हैं मैंने कैसे की है, ऑन पेज एसईओ में की है या ऑफ पेज एसईओ में, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों ही इक्वालिटी पे काम करना है। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं कि मैंने इस साइट पे बैकलिंक का बिल्कुल भी काम नहीं किया है, बैकलिंक मैंने नहीं बनाई है, फिर भी ये जो है अच्छा सा रैंक करने लगा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बैकलिंक ही बनानी है, लेकिन आप अगर ऑन पेज एसईओ पे फोकस करते हैं, पूरा का पूरा जो है उस पर ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी साइट जो है वो रैंक करेगी। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना है ऑन पेज एसईओ पे। तो बात करते हैं कि ऑन पेज एसईओ पे हमें कैसे काम करना है। तो दोस्तों, मैंने जो है मेरी साइट वर्डप्रेस में बनाई है, तो वर्डप्रेस में मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ से जो है सारी पोस्ट है मेरी जिस पे मैंने काम किया है। तो ये सारी पोस्ट है और ये पोस्ट पे हम बात कर लेते हैं, इसे हम एडिट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको काम करना है कि आप अपने वर्डप्रेस की साइट पे योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। ये प्लगइन सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है जिसकी मदद से जो है हम हमारे एसईओ में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने साइट पे, अगर अभी तक आपने योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप अपने उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि जो है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरा पेज लोड हो रहा है अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो टाइटल दिया हुआ है वो है 15 टिप्स टू अप्रूव एडसेंस अकाउंट इंस्टेंट। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, काफ़ी सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस भी इस पे बने हुए हैं। तो फिलहाल इसे सेकंड पेज पे शो हो रहा है और जल्द ही इस पे काम करके हम फर्स्ट पेज पे भी इसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा का पूरा आर्टिकल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पे ही गुड है, इसके रीडेबिलिटी है वो भी गुड है और एसईओ भी अच्छा सा है।
अब दोस्तों हमें ध्यान कौन सी चीज़ों का रखना है ये बात हमें बहुत ही अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि दोस्तों यूएस प्लगइन आई थिंक सभी लोग जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपनी साइट पे, लेकिन उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, तो इसी कारण से जो है वो अपनी साइट को रैंक नहीं करा पाते या फिर कीवर्ड को रैंक नहीं करा पाते। दोस्तों सबसे पहले तो आप जो भी साइट्स पे काम कर रहे हैं या फिर जो भी कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं वो कितना कॉम्पिटिटिव है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आप जो है गूगल में जाके उसे सर्च कर सकते हैं कि कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर कंपटीशन लो होगी तो रैंकिंग आने में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, रैंकिंग जल्दी से आ जाएगी। अगर लोग काफ़ी लोग काम कर रहे हैं उस पे तो फिर रैंकिंग लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यूएस प्लगइन का जो है पूरा सेटअप है यहाँ पे, और यहाँ एक अच्छी सी बात यह है कि यहाँ पे ये प्लगइन जो है आपको पूरा सा गाइड करता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीन लाइट हुई है, इसका मतलब है कि ये पोस्ट जो है अच्छे से रैंक कर रही है। सिर्फ एक ही है ये जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो फ़िलहाल रहने देते हैं क्योंकि अच्छा सा यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है, गुड। तो फिर और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है फोकस कीवर्ड्स अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन द कॉपी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसे आपको बहुत ही केयरफुली अपने आर्टिकल में इसका उपयोग करना है, इसका यूज़ करना है। अगर ये बता रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आपका कीवर्ड डालिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपका जो है वो कीवर्ड यहाँ पे आना चाहिए, जिसकी मदद से जो है आपका जो भी आर्टिकल है वो जल्दी से रैंक हो सकता है। तो मेरा जो बेसिक मैंने फोकस कीवर्ड रखा हुआ है वो है अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट, सिर्फ इतना ही मेरा कीवर्ड है अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट यहाँ पे वो कीवर्ड मैंने यूज़ किया है, ताकि कोई अगर कोई ये भी सर्च करे टिप्स टू अप्रूव एडसेंस अकाउंट इंस्टेंट तो भी मेरा रैंक होगा आर्टिकल, या फिर हाउ टू अप्रूव एडसेंस अकाउंट इंस्टेंट तो भी मेरा जो है वो आर्टिकल रैंक होगा। तो इसी हिसाब से आपको जो है वो काम करना है। दोस्तों दूसरे नंबर पे है कि आपका जो है कीवर्ड कितने टाइम आया है, इसके आपने अपने आर्टिकल में कितने बार इसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे 7 टाइम है, तो वो बहुत अच्छा है। तो आप भी जितना हो सके उतना, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि फिर कीवर्ड स्टफिंग का प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसे यूज़ करना है, जैसे जैसे वो एक रिदम में आता है इसी तरह इसे यूज़ करना है। फिर जो है मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड आना चाहिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स आ रहा है अप्रूव एडसेंस अकाउंट, तो ये अच्छी सी बात है। फिर जो है मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो भी अच्छी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छा सा इसका यूज़ किया है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो बात हो रही है कि हमने कितनी बार जो है सब एडिंग में अपने कीवर्ड्स का यूज़ किया है, तो हमने जो है अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो ये बता रहा है कि आपने इसे एक बार यूज़ किया है, आपको कम से कम एक बार तो इसे यूज़ करना है। आपने अगर कोई भी इमेज लगाई है अपने आर्टिकल में तो वो भी उसमें भी जो अल्टरनेटिव कीवर्ड्स होते हैं उसमें भी आपको अपना कीवर्ड रखना चाहिए, ताकि वो जो है इमेज भी अच्छी तरह से रैंक हो सके। और ये जो हमारा आर्टिकल है वो कम से कम 300 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों हमने दो जो है वो आउटबाउंड लिंक दी है, और यहाँ पे हमने नो फॉलो कोई लिंक नहीं दी है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि हमें जो है वो रैंकिंग मिल रही है। और दो जो है वो इंटरनल लिंक हमने यूज़ की है, और नो फॉलो लिंक हमने नहीं कोई भी बनाई है इसमें। और SEO का जो टाइटल है वो भी बहुत अच्छा है, फोकस कीवर्ड है URL में, वो भी अच्छी बात है। और इस कीवर्ड का हमने पहले कभी उपयोग नहीं किया हमारी साइट पे, वो भी एक अच्छी सी बात है। तो ये पूरा का पूरा जो है एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये अगर आप पूरा का पूरा ध्यान में रखते हैं और अच्छी तरह से आपके आर्टिकल में जो है इसका यूज़ करते हैं, तो आपको बेशक एक अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने आज काम किया और कल से आपका जो है आर्टिकल रैंक करना शुरू कर देगा,
जी नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपने पूरा अच्छे तरह से काम किया है, पेज इंडेक्स हो गया है, तो फिर जो है आपका आर्टिकल बहुत जल्दी से रैंक करने लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ टैग भी डाले हुए हैं। टैग डालने से जो है रैंकिंग में काफ़ी बार सुधार भी आ सकता है, तो आप भी ये टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी इमेज यूज़ कर रहे हैं तो इमेज को आप अल्टर टेक्स्ट का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो भी आपकी रैंकिंग में काफ़ी सुधार ला सकता है। और पेज में इंटरनल लिंकिंग का भी आपको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। टाइटल जो है वो टाइटल भी बहुत अच्छा सा आपको चूज़ करना है, और उसे मेटा टैग में और डिस्क्रिप्शन में भी उसका यूज़ करना है। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको ऑफ पेज SEO पे काम करना है। ऑफ पेज SEO में आप थोड़ा सा अच्छा सा काम करेंगे तो वहाँ से भी आपको अच्छा सा रिजल्ट मिले। तो दोस्तों आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।